अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी शेफ़ अनम शेख। आप देख रहे हैं रमज़ान किचन कॉर्नर प्रेजेंटेड बाय चैंग होंग रूबा। आज इसमें हम बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे, जिसमें आज हम बनाने जा रहे हैं मटन तवा कीमा, जो कि बड़ी ही मज़ेदार डिश है और मोस्टली जो है सबको बहुत पसंद भी होती है। क्यों ना फिर हम एसी ऑन कर लेते हैं। तो एसी का जो सबसे मज़ेदार जो ये इसका फीचर है वो है आई फील, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि आई फील से ये है कि इस जो किचन का टेम्परेचर है, ये हमारा जो एसी है उसको अच्छे से हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। तो अब चलते हैं फ्रिज की तरफ और फ्रिज में से निकालते हैं अपना कीमा। अच्छा, तो ये फ्रिज में जो मज़ेदार सा जो हमने कीमा निकाला है, बेसिकली जो चैंग होंग रूबा के जो फ्रिजेस हैं यहाँ पर पड़े हुए, उसमें से दो कलर्स तो मेरे पास अवेलेबल हैं इस वक्त, जैसे कि आप देख रहे हैं एक रेड कलर और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ब्लैक कलर, और ये ब्राउन और सिल्वर में भी अवेलेबल है, और ये इटालियन मास्टर डिज़ाइन क्वालिटी से बने हुए हैं, और प्लस ये हाई फैमिली डिज़ाइंस हैं। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को थोड़ा सा। तो फ्लेम कर लेते हैं ऑन। अच्छा जी, उसमें जाएगा मटन तवा कीमा के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो है ऑयल, इसमें जाएगा साबुत गरम मसाले, नमक, ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें, सूखा धनिया जाएगा, लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसमें, काली मिर्च जाएंगी, थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च जाएंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, और वेजिटेबल्स में इसमें जाएंगी प्याज जाएगा, टमाटर जाएंगे, अदरक, हरी मिर्चें, और जो गार्निश की पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज़ करेंगे धनिया। ठीक है जी, तो जाता है इसमें ऑयल, एक कप के करीब जो है इसमें ऑयल जाएगा। तो जब बात हो रही है मज़ेदार कीमे की जब बन रही है, तो बेसिकली जो ये हमारा चैंग होंग रूबा का जो फ्रिज है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज की कैपेसिटी है, और इसमें जो फ्रीजिंग इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। तो साथ साथ जो है फ्रिज की तारीफ़ों के साथ साथ जो है हम थोड़ा सा अपना मटन तवा कीमे की तरफ भी चलते हैं। अच्छा, इसमें जाएगा कीमा, ये हाफ के जी के करीब जो है हम मटन का कीमा ले रहे हैं, और अब इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, जब जिंजर गार्लिक पेस्ट की बात आई है, तो फ्रिज की मुझे एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो याद आया है, वो ये पॉइंट है कि इस फ्रिज में इन द केस अगर लाइट चली जाती है, तो इसमें 137 आवर्स की कैपेसिटी है कि ये उसको फ्रीज आपके फ्रिज की कूलिंग को मेंटेन रखता है 137 आवर्स के लिए, और जो इसके टेम्परेचर है वो -32 तक इसकी जो अंदर की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो -32 तक अवेलेबल है इसके अंदर। तो मेरे लिए तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त, एक आप कह लें कि कंप्लीट पैकेज कह लें उसको, फ्रिज को, ये वैसा फ्रिज है। अब साथ साथ करेंगे इसकी भुनाई, जैसे ही जो कीमा है हमारा कलर अपना चेंज कर लेता है, तो साथ ही फिर हम इसके अंदर बाकी के मसाले जो हैं ऐड करना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो जब ये आई फील की हम एसी की बात कर रहे थे, तो आई फील की बात की, तो इसका जो आप रिमोट कंट्रोल देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट रिमोट कंट्रोल है ये हमारा, और इसमें बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं, जैसे एक आई फील था इसके अंदर टेम्परेचर, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो है हमें मिली है इस एसी के अंदर। तो अक्सर औकात ना मुझे एक चीज़ बड़ी ही पता नहीं, शायद मेरे साथ ऐसे होता है कि जब भी मैं खाना खाती हूँ तो मुझे बड़ा शौक़ है कि मैं टीवी के सामने बैठ के खाना खाऊं। तो टीवी की जब हम बात करते हैं, तो टीवी आपके सामने देखिए कितना खूबसूरत है, और इसके अंदर HDR जो है इसकी क्वालिटी है, Dolby साउंड सिस्टम है इसके अंदर, तो ये जो है इसके अंदर काफ़ी क्वालिटीज़ हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा कीमा जो है वो भुनने की फॉर्म में आ गया है, अब इसके अंदर ऐड करते हैं मसाले। इसमें जाएगा नमक हसबे जायका, उसके बाद इसमें जाएगा सूखा धनिया, और इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें, साबुत गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर जाएगा इसके अंदर, चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर, और लाल मिर्च का पाउडर, दैट्स इट। और अब हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स।
और साथ हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। इसमें जाएंगे टमाटर, 1 से 2 अदर टमाटर जाएंगे इसमें, थोड़ा सा अदरक जाएगा और हरी मिर्चें, 2 से 3 हरी मिर्चें जाएंगी इसमें। जी नाजरीन, तो आप ये देख रहे हैं कि कीमा तो हो रहा है तैयार, तो टैंगोंग रूबा ला रहा है आपके लिए मज़ेदार इनामात जीतने का मौका। तो उसके लिए जो है आज का सवाल कर लेते हैं। सवाल ये है कि कुरान पाक रमज़ान के कौन से रोज़े को कंप्लीट हुआ था। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कुरान पाक रमज़ान के कौन से रोज़े को कंप्लीट हुआ था। इसके ऑप्शंस जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनको हमें कमेंट्स में बताएं कि कुरान पाक कौन से रमज़ान के कौन से रोज़े में कंप्लीट हुआ था। ठीक है जी, तो जब आप कमेंट करेंगे, कमेंट में से कोई भी 2 लोग जो हमारे लकी विनर्स होंगे उनको जो है चैंगोंग रूबा इनामात भेजेंगे। तो ये कीमा जो है हमारा अब बिल्कुल पकने के प्रोसीजर में है, तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी काली मिर्च। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो कीमे में ऑयल आ गया है ऊपर, तो ये बिल्कुल रेडी है। तो अब जो ये थोड़ा सा धनिया और ये अदरक इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अपने प्लेटर के ऊपर सर्व करेंगे। तो ले नाजरीन, ये हमारा मज़ेदार तवा कीमा जो है ये रेडी हो गया है। आप इसको तवे पे बनाएं या आप इसको कढ़ाई में बनाएं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो अब हम इसको करते हैं प्लेटर में डिश आउट। जी, ये आज की डिश जो हमारी मटन तवा कीमा है ये हो गई है रेडी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला अगली बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।